मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं रणनीति विद निक्षय मौर्य। फरवरी 2021 में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बिल में सुधारों पर विचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया, जिसने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास एक्सरसाइज पॉलिसी डिपार्टमेंट भी है, दिल्ली में नई उत्पाद शुल्क बिल लेकर आए, यानी कि एक्सरसाइज पॉलिसी बिल। बिल का उद्देश्य दिल्ली में शराब की बिक्री का निजीकरण करना और शराब की बिक्री में सरकार की भागीदारी को समाप्त करना था। बिल ने निजी उद्यमों को शराब व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य उत्पाद शुल्क विभाग के राजस्व को बड़े प्रतिशत से अधिक बढ़ाना था। इस बिल ने शराब की दुकानों पर सरकारी स्वामित्व समाप्त कर दिया, जिसके स्थान पर निजी कंपनियों को स्टोर संचालन लाइसेंस जारी कर दिया गया। इसने वार्षिक लाइसेंस शुल्क में रुपए में वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा, 8 लाख से 75 लाख। दिल्ली के क्षेत्रों को 32 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 8-10 वार्ड शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 27 आउटलेट होंगे। इसका मतलब था कि प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में 2 से 3 शराब विक्रेता कार्यरत थे। सरकार ने यह भी कहा कि शराब माफिया को खत्म कर देगी और नई दुकानों पर जाने वाले उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाएगी। आउटलेट्स की उपस्थिति के लिए भी दीर्घ निर्देश जारी किए गए थे। निजी शराब की दुकानों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए MRP पर छूट देने की अनुमति दी गई और उन्हें सुबह 3 बजे तक शराब की डिलीवरी करने की भी प्रावधान दी गई। इस बिल को आगे उपराज्यपाल के हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए भेजा गया, जिसे राज्यपाल ने अनधिकृत क्षेत्रों पर कुछ शर्तों के साथ पारित कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए। नीति के पास होने के बाद नीति में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए शिकायतों का एक समूह आया, जिनमें से एक जून 2022 में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार द्वारा दिल्ली पुलिस में दायर किया गया। इस बिल को विपक्षी भाजपा और कांग्रेस से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि सरकार ने पैसे के बदले सभी लाइसेंस बेच दिए हैं और आरोप लगाया गया कि सरकार ने उत्पाद शुल्क विभाग को पूरी तरह से निजी खिलाड़ियों और व्यावसायिक एजेंसियों को सौंप दिया है। कथित तौर पर शराब लाइसेंस धारकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंशन दिया गया। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि नई नीतियों उत्पाद शुल्क नीतियों के विपरीत है और व्यापारियों को उनकी इच्छा के अनुसार 30 करोड़ की छूट दी गई है। दोनों पक्षों ने इसकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से हस्तक्षेप की मांग की। सिसोदिया ने आगे कहा, नई नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्रों सहित 849 नए आउटलेट खोले जाने थे, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सक्सेना को शराब नीति के निर्माण में प्रक्रियात्मक उल्लंघन की रिपोर्ट दी, जिन्होंने CBI जांच की सिफारिश की। ये कथित उल्लंघन थे विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनदेखी और नीति लागू करते समय उपराज्यपाल को नजरअंदाज करना। इस रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 580 करोड़ तक के नुकसान का आरोप लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय की एक अन्य जांच में आरोप लगाया गया कि शराब नीति शराब के थोक विक्रेताओं को आप मंत्रियों को दी गई 6% रिश्वत के बदले में 12% लाभ मार्जिन की गारंटी देगी। ईडी ने आरोप लगाया कि जैन और सिसोदिया ने
विशेषज्ञ समिति के फैसलों को खारिज कर दिया और इस लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए नीति में बदलाव करने में उपराज्यपाल को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों के समूह की बैठकों के दौरान इस पर कभी चर्चा नहीं की गई, बल्कि इस पर सहमति बनी। दिल्ली कैबिनेट का सामूहिक निर्णय। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आपके संचार प्रभारी विजय नायर, जो शराब नीति के बारे में सिसोदिया के साथ निकटता से बातचीत कर रहे थे, उनको हैदराबाद स्थित निजी संस्थाओं वाले साउथ ग्रुप द्वारा अग्रिम रिश्वत के रूप में 100 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस कथित साउथ ग्रुप के कुछ सदस्यों में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और आंध्र प्रदेश में सत्ता में YSRCP पार्टी से तत्कालीन ओंगोल लोकसभा सांसद मंगूठा श्रीनिवासुल रेड्डी के साथ साथ हैदराबाद के कई लोग शामिल थे जो कि बिजनेसमैन थे। बदले में नायर ने कथित तौर पर इस साउथ ग्रुप को, जिसका उस समय दिल्ली के शराब व्यवसाय में कोई पैर नहीं था, नीतिगत भत्ते से ऊपर और परे थोक लाइसेंस और खुदरा लाइसेंस, साथ ही साथ अन्य अनुचित लाभ दिए। राज की विपक्षी भाजपा ने एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो भी जारी किया, जहां एक FIR आरोपी सनी मारवा के पिता ने नई नीति के तहत इसे उत्पाद शुल्क बताते हुए धन इकट्ठा किया। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो जारी किया और अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की आवाज उठाई और चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकार में बिचौलियों और माफियों से पीड़ित है। मनीष सिसोदिया, जो कि उत्पाद शुल्क विभाग के भी प्रमुख हैं, एक्साइज पॉलिसी के प्रमुख हैं, उन्होंने राज्यपाल BK सक्सेना पर अनधिकृत क्षेत्रों में भी दुकान खोलने के किसी भी मुद्दे के बिना पहले ही बिल को मंजूरी दे दी थी। आवश्यकताओं के अनुसार रुख बदलने का आरोप लगाया। इसका अलावा आपने यह भी आरोप लगाया कि LG सक्सेना ने 2016 में एक सरकारी खादी निकाय के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ की विमुद्रीकृत नोटों का आदान प्रदान किया था। सक्सेना ने इसे निराधार और जानबूझकर गुमराह करने वाले लगाए गए आरोपों को बताते हुए भारी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को इन तुच्छ व्यवहारों और बयानों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कानूनी नोटिस भी भेजा और कहा कि वह आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। 20 अगस्त 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाले से संबंधित सरकार पर लगाए गए आरोपों की श्रृंखला निर्धारित करने के लिए डिप्टी CM सिसोदिया के आवासों पर छापेमारी की। इस मामले में जुड़े नौकरशाहों और अधिकारियों पर भी छापेमारी की गई। राज्य की विपक्षी भाजपा ने सच्चाई सामने लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए एजेंसी की सराहना की। विपक्षी दलों ने मारे गए छापों पर भाजपा की ओर से की गई प्रतिशोध की राजनीति और बेईमानी का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, हम CBI का स्वागत करते हैं और किसी भी प्रकार की जांच का समर्थन करते हैं। 6 सितंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ED ने देश भर में 40 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर की गई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों से जुड़ी निजी व्यक्तियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के परिसरों की जांच और जांच की गई। आपके संचार प्रभारी विजय नायर को भी उस दिन गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2022 में ED ने 7 आरोपियों, शराब कारोबारियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 15 दिसंबर को के कविता का नाम पहली बार इस आरोप पत्र में रखा गया था। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को खुद गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके घर पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। 28 मार्च 2024 तक रिमांड पर लिया गया था और वह प्रवर्तन निदेशालय ED की हिरासत में है। इससे पहले उन्होंने ED के 9 समन छोड़े थे। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
तो ऐसे ही अन जानकारियों के लिए सुनते रहिए रणनीति विद निक्षय मौर्य। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।